नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है। आज आ वीडियो आप वन औषधि पांचमा नंबर है। आ अगर आप बीजा पे पचास सुधीनी वन औषधि है तुम अभ्यास कर लीधेल। आज वीडियो की शुरुआत पहला एक बात कही कि टूंक समय में आप करंट अफेर एक मेगा लेक्चर लावाना है, जेमा नवेम्बर थी अपने जे ऑगस्ट सुधीना जो करंट अफेर हे तुम बधो समावेश कर लीश। इनी नोट्स पण बनाई दीधेल छे, मारी लगभग मे सुधीनी नोट्स बनी गएल छे। तो जेम नोट्स पूर्ण थाय तेम तरत ज वीडियो बनाईने अपलोड करीश, जेथी आपणी जे वनरक्षकनी परीक्षा आवे छे तेमां आपणने आ करंट अफेर उपयोगी साबित थाय। तो शुरू करीए आजनो आ वीडियो। तो आजनी प्रथम वनस्पति छे दारूडी सत्यानासी, एने हिंदी में कहवाय आर्गेमोन मेक्सिकाना, एनुं साइंटिफिक नाम छे। सर्व जग्याए कांटावाळो जंगली छोड़ जमीन उपर जोवा मळे छे, गोळ फळ थाय छे। तेना बीजमांथी पीळा रंगनुं तेल निकळे छे। बीजनो उपयोग कफ, दम तेमज पेटना रोगोमां अने ओइल चामडीना रोगो माटे अक्षर दवा तरीके वपराय छे। मूळ स्वास्थ्यकारी, कमळामां अने त्वचाना लेपमां वपराय छे। तो बीजनो उपयोग कफ, दम तेमज पेटना रोगोमां अने ओइल चामडीना रोगो माटे अक्षर दवा तरीके वपराय छे। मूळ स्वास्थ्यकारी, कमळामां अने त्वचाना लेपमां वपराय छे। तो आ थी दारूडी सत्यानासी, एनुं हिंदीमां नाम छे, वैज्ञानिक नाम आर्गेमोना मेक्सिकाना, एनुं साइंटिफिक नाम छे। आगळ जोईए तो आगळनी वनस्पति छे दाडम। दाडम आपणे सामान्य रीते जोईली छे ने आप एनुं हिंदीमां नाम जुओ तो अनार छे। पुनिका ग्राइंटम एनुं साइंटिफिक नाम छे। दाडमनो सूप 10-15 फूट ऊंचो वधे छे। दाडमनी बे जात छे, एकमां फक्त फूल ज आवे छे, ज्यारे बीजामां फूल अने फळ बंने आवे छे। दाडमना झाड पर पोष माहमां फूल आवे छे, फागणथी वैशाखमां फळ आवे छे। अरबस्तानमां मस्कत पासेना दाडम उत्तम मनाय छे। तो क्याना दाडम उत्तम मनाय छे? तो अरबस्तानमां मस्कत पासेना जे दाडम होय छे ते उत्तम मनाय छे। दाडमना दाणा घणा स्वादिष्ट होय छे, ते बढ़तरा अने तरस मटाड़े छे, ते जटा रागनी वधारे छे। आगळ जोईए तो एमां छे ते रुचिकर अने ग्राही पण छे। वधारे पड़ता झाडा थाय होय त्यारे दाडमनो उपयोग फायदाकारक छे। बाळकोने खांसी थई होय त्यारे तेना छोड़ने घसीने पावाथी लाभ थई शके छे। मीठाना बगड़ेला स्वादने सारा करी शके छे। दाडम पाक पण स्वादिष्ट होय छे। मीठाना बगड़ेला स्वाद ने सारा करवा माटे सानो उपयोग थाय? तो दाडमनो। अने आ एक प्रश्न के क्याना जे मस्कत दाडम क्याना छे? तो अरबस्तान में जे उत्तम गणाय छे। आगळ जोईए देशी बावड़, हिंदी में एने बबूल कहेवाय। एकासिया नीलो टीका एनु साइंटिफिक नाम छे। एना विषे विस्तृत अभ्यास करिए तो बावड़ना झाड मोटा तथा कांटावाळा होय छे, तेनी डाळ कापीने वाड बनावामां काममां लेवाय छे। लाकडू मजबूत होवाथी घणा उपयोगमां लेवाय छे। बावणनो सफेद गुंदर थाय छे। तो अहींयाथी प्रश्न बनी शके कि बावणनो केवा रंगनो गुंदर थाय छे? तो सफेद। ते घणो पौष्टिक छे। बावणनी छाल रंगना काममां वपराय छे। तेनी शींगो या पांदड़ा ढोरने खवडावामां आवे छे। मोઢું आवे त्यारे बावणनी छाल तथा जांबूनी छालना उकाळाना कोगड़ा करवाथी लाभ थाय छे। बावणनुं दातण दाँतने साफ तथा मजबूत करे छे। प्रमेह पर बावणना कुमळी पाड़ी सवार सांज एक के एक तोलो खावाथी सारो लाभ थाय छे। घासलेट पी जवा उपर तेलना कोगड़ा करावा अने बावणना गुंदरनुं पाणी नवा टाँक पाई उपर दूध पाई देवाथी फायदो थाय छे। आंतरछाल छातीना दुखावा तेमज कफ खांसीमां मोंमां राखी ताजी छाल चूसवामां आवे छे। तो एनुं दातण आपणा माटे घणुं उपयोगी छे, तेमज एमां बावड छे एमां सफेद गुंदर होय छे जे आपणे खावामां उपयोग लई शकीए छीए। आगळ जोईए धતુરો। ધતુરો હિન્દીમાં ધતુરા કહેવાય। ડેટુરા મેટેલ એનું સાયન્ટિફિક નામ છે। દોઢ બે હાથ ઊંચા ધતુરાના છોડ બધે જ જોવા મળે છે। તેના કાળા અને ધોળા ભેદથી બે જાતના ફૂલ થાય છે। काड़ा फूलवाड़ा धतुरा आखो छोड़ दांडी वगैरह काड़ा हो दवा उपयोग में काड़ो धतुरो ज वपराय। तो दवा उपयोग में कया रंग धतुरो वपराय? तो काड़ा रंगनों। तो अत्यंत झेरी होवाथी उपयोग सामान्य मणसे करवो नहीं। आगर जो ये
बाह्य उपचार में सोजो उतारवा माटे ते वपराय छे। श्वास चढ़े त्यारे तेने शांत करवा तेनी बीनी धूणी आपवामां आवे छे। धतूरो झेरी होवाथी घर आंगणे वाववो नहीं। आगळ जोईए नगोड। निर्गुंडेनु हिंदी में नाम छे विटेक्स नेगुंडा, एनु साइंटिफिक नाम छे। एनु विस्तृत अभ्यास करिए तो नगोडनु झाड़ बधे जाणीतुं छे। ते नदी किनारे थाय छे, सदाहरित छे। तेनु झाड़ 15-20 फूट ऊँचू थाय छे। झाड़ पर आखू वर्ष फूल तेमज फळ आव्या करे छे। तेना फूल सफेद भूरा रंगना होय छे। तेना पान लांबा आगळथी अणीदार ऊपरथी लीला पण पाछळथी धोळा होय छे। वायुना विकारो ऊपर तेना बीजनो उपयोग खास थाय छे। प्रसूता स्त्री ने तेना उकाड़ेला पाणीना स्नान करावामां आवे छे तो ते शरीर स्फूर्तिवाळू बने छे। माथाना दुखावा पर तेना बाफेला पानी लुगदी बांधी शकाय छे तेथी फायदो थाय छे। आगळ जोईए जो सांधानो दुखावो थतो होय तो के वाथी पकड़ाई गयो होय तो नगोडाना पान, अडोसीना पान अने नीलगिरीना पाननी वराड स्नान स्टीम बाद करी शकाय अने घणो फायदो मेळवी शकाय छे। पाननी उपरनी सपाटी लीली नीचे सफेद होय छे। तो आपड़ा निर्गुंडी नगोडाना उपयोगो अहीं आपणे जोया। आगळ जोईए नीलगिरी। नीलगिरी हिंदीमां नीलगिरी कहेवाय। युकेलिप्टस हाइब्रिड एनुं साइंटिफिक नाम छे। सीधा थांभला आकारनुं हाइब्रिड वृक्षना पान भालाकार अने थड लीसू सफेद होय छे। जेना परनी पातळी छाल दर वर्षे उखड़े छे। नीलगिरीनुं तेल सर्दी, फेफसाना दर्दो, तव, मूत्र, कोथरीनो सोजो वगैरेनी सारवारमां वपराय छे। पान अने तेल तावनाशक, वायुसारक, उत्तेजक, कफदन, चेपरोधक, मलेरिया रोधक असर धरावे छे। आनुं मूळ वतन ऑस्ट्रेलिया छे। तो कई वनस्पतिनुं मूळ वतन ऑस्ट्रेलिया छे तो नीलगिरीनुं। આગળ જોઈએ નાગરવેલ। નાગરવેલ એને હિન્દીમાં કહેવાય પાઇપર બેટલ, એનું સાયન્ટિફિક નામ છે। એનો વિસ્તૃત અભ્યાસ કરીએ તો બારમાસી વેલ, પાન ચડકાટ મારતા હૃદયકર છે। નાગરવેલના પાન ભારતમાં થાય છે। પાનની ઘણી જાતો છે જેમ કે જેલમ, કપૂરી, મધઈ, બનારસી, કલકત્તી વગેરે પાન ખાવામાં ઉપયોગમાં આવે છે। સગર્ભા તથા બાળકને પાન ન આપવું જોઈએ। સ્નાન પહેલાં અને જમ્યા પહેલાં પાન ન ખવાય। खास करीने भोजन बाद पान न खवाय। पान थी पाचन क्रियाओने लाभ थाय छे। खांसी में तेनो घणो सारो उपयोग थाय छे। नागरवेलना एक पान पर अरडूसीना त्रण पान पाथरवा, तेमा एक इलायची अने लविंग मूकी जाडू वाळवू, पछी तेने पाणी में बाफी पछी बराबर मसळी गाळीने दिवसमां 3 वखत पावाथी बधी जातनी खांसी मटे छे। फणस अने सरगवानुं शाक खाधा पछी पान न खवाय। तो कयु शाक खाधा पछी पान न खवाय तो फरस अने सरगवानुं, तेनो छोड कटका कलमथी उछेरी शकाय छे। आगळ जोईए पारिजातक। हारिशिंगार, हारशिंगार एनुं हिंदीमां नाम छे। निक्टेन्थस आर्बे आर्बोरिस्टिक्स, निक्टेन्थस आर्बेटोरिस्टिक्स एनुं कंई साइंटिफिक नाम छे। पारिजातक बगीचा तथा घर आंगणे घणा प्रमाणमां जोवा मळे छे। पानखर सुंदर वृक्ष छे। तेना फूलमांथी केसरी रंगनी डाय बने छे। तो कोना फूलमांथी केसरी रंगनी डाय बने छे? तो पारिजातक। पारिजातकना पान खरबजडा होय छे। तेने श्रावणथी आसो मासमां फूल बेसे छे। तेना फूल सफेद केसरी दांडीवाळा होय छे। फूल घणा सुवासित होय छे। शियाळामां पारिजातकनी बीज लागे छे। तेना फळ चपटा बटन जेવા આવે છે। આગળ જોઈએ ફૂલદેવી દેવતાની ફૂલમાળામાં તે વપરાય છે। પારિજાતકના બી વાટીને ખોડા ઉપર લેપ કરી શકાય છે તેથી ઘણો ફાયદો થાય છે। દરાજ પર પારિજાતકના પાલાનો લેપ કરવાથી તે મટે છે। તેના ફૂલ રાત્રે જ ખીલે છે અને મડસકે ખરી પડે છે। તો કોના ફૂલ રાત્રે ખીલે અને મડસકે ખરી પડે છે? તો પારિજાતક। આગળ જોઈએ પીપળો, જે આપણે સામાન્ય રીતે જોયેલો જ હોય છે। હિન્દીમાં પીપલ કહેવાય। ફાયકસ રિલેજિયોસા એનું સાયન્ટિફિક નામ છે, ફાયકસ રિલેજિયોસા। આ વૃક્ષ ભારત દેશમાં બધે જ જોવા મળે છે, બીજા દેશોમાં તે થતું નથી। વડના ઝાડની જેમ તેનો ઘણો મોટો વિસ્તાર થાય છે। તેનો છાંયડો ઠંડક આપનાર હોય છે। અનેક ગુણવાળું આ ઝાડ ભારતમાં ઘણું પવિત્ર મનાય છે। પીપળાના ઝાડ પર લાખ ઊંઘે છે। તો કોના ઝાડ પર લાખ ઊંઘે છે? તો પીપળાના। તે રંગના
तथा सील करवाना तेमज दवाना उपयोग में आवे छे। तेनो छांयडो उनाळा में घणी सारी ठंडक आपे छे। बाळकोनी बोबड़ी वाणी सुधारवा तथा पाका फल खावा आपवा, तो बाळकोनी बोबड़ी वाणी सुधारवा माटे कोनो उपयोग थाय छे तो पीपळानो। आगळ जोईए, खस फोल्ला वगैरे चामडीना परुवाळा फोल्ला पर तेनी छाल पाणीमां घसी चोपड़वाथी मटे छे। मूग पाक उपर पीपळाना कूमड़ा पान तथा छालने वाटीने मध मेळवी दिवसमां 3 वार लगाववो जोईए। पीपळो पवित्र वृक्ष छे, भेजवाड़ा अथवा सूका पानखर प्रदेशनुं विशाळ वृक्ष छे। थड सफेद होय छे। आजनी अंतिम वनस्पति छे पीलू वकड़ी मीठी जार, तो एनो विस्तृत अभ्यास करी आपणे। पीलू वकड़ी वैज्ञानिक नाम छे साल्वाडोरा ओलिओडिस, एनु साइंटिफिक नाम छे ओलिओडस साल्वाडोरा ओलिओडस। सदाहरित वृक्ष छे, खारासवाड़ी जमीन में सूका रण प्रदेश में नाना कदनो वृक्ष दरेक जग्याए जोवा मळे छे। पान भालाकार अने डाळीओ वधु संख्या में होय छे। पर्णमां तेमज प्रकांडमां एक तीव्र गंध होय छे। पाननो उकाड़ो घोड़ामां रेचक असर माटे, फर बरोडनी वृद्धि, संधिवा, झीणो ताव अने सर्पदंशमां बीजनुं तेल संधिवा पर मालिश करवा वपराय छे। बाळको तेना पाका फळ होसेथी खाय छे। तो आजे आपणे 51 થી 60 સુધીની વનસ્પતિનો અભ્યાસ કર્યો। ટૂંક સમયમાં આગળની વનસ્પતિનો વિડીયો પણ બનાવીને મૂકી દઈશ અને કરંટ અફેરનું પણ ટૂંક સમયમાં લગભગ અઠવાડિયાની અંદર આપની સમક્ષ વિડીયો પ્રસ્તુત કરીશ। તો મળીએ નવા વિડીયોમાં બીજી નવી વનસ્પતિઓ સાથે।